कल मैंने यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी का बयान सुना था, आज अखबारों में भी उसके बारे में छपा। उनका कहना है कि प्रदूषण किसी एक राज्य की वजह से नहीं होता, प्रदूषण एक राज्य में होता है तो दूसरे में चला जाता है, दूसरे में होता है, हवा इधर से उधर उधर इधर से उधर जाती है, तो इसके लिए सबको मिलके काम करना पड़ेगा। उनकी बात से मैं 100% सहमत हूँ, बिल्कुल हम सबको मिलके प्रदूषण के खिलाफ जंग छेड़नी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रदूषण एक दिन में ठीक नहीं हो सकता, इसके लिए कम से कम 4 साल लगेंगे। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे ये लगता है कि अगर हम सारी सरकारें मिलके, सारी पार्टियां मिलके, राजनीति छोड़ के ईमानदारी से मेहनत के साथ लगें, तो 4 साल से काफ़ी कम समय में हम प्रदूषण पे काबू पा सकते हैं। पराली के प्रदूषण की बात करता हूँ, दिल्ली में हम सब लोग जानते हैं, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, उसके पहले इस बात पे राजनीति हो रही थी कि पराली से कितना प्रदूषण होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़े दिन पहले कह दिया कि इस वक्त, साल के इस वक्त, इन 2 महीने, 1.5-2 महीने के अंदर जो प्रदूषण होता है वो मेनली पराली की वजह से होता है। पराली से जो प्रदूषण पैदा होता है वो केवल दिल्ली दिल्ली में नहीं होता, पूरे उत्तर भारत में होता है। और मुझे तो ज़्यादा चिंता उन किसानों की है जिनके गांव में जब वो अपने खेत जलाते हैं, उनके गांव में प्रदूषण का क्या हाल होता होगा, आप सोच सकते हैं। वो अपने बच्चों को, अपने परिवारों को कैसे पालते हैं, आप सोच सकते हैं कैसे पालते होंगे। मेरा अपना मानना है कि पराली से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को काफी कम समय में नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए समाधान हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे साइंटिस्ट्स ने समाधान दिए हैं, केवल और केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नजर आ रही है। अभी जैसे दिल्ली के अंदर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं, पूसा इंस्टीट्यूट एक्सपेरिमेंट कर चुका है। पूसा इंस्टीट्यूट के बताए हुए रास्ते के ऊपर इस बार दिल्ली के अंदर सारे खेतों में दिल्ली सरकार अपने पैसों से, सरकारी पैसों से, उस घोल को, उस केमिकल का छिड़काव कर रही है जिसकी वजह से पराली जो है वो खाद में कन्वर्ट हो जाएगी, तो पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक समाधान ये है। दूसरा समाधान, करनाल के अंदर एक बहुत बड़ा पराली से सीबीजी गैस, कंप्रेस्ड बायोगैस, वो सीएनजी की तरह होती है, सीएनजी की तरह उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक तरह से करनाल में पराली से सीएनजी बनाने का बहुत बड़ा कारखाना शुरू हो चुका है। तो पराली से सीएनजी बनती है, क्यों नहीं बनाते हम लोग? अगर पराली से सीएनजी बनाने लगे और वो फैक्ट्री जब किसानों से पराली लेती है तो किसानों को पैसे देती है, पराली खरीदती है, किसानों की इनकम हो रही है, किसानों के खेत से पराली खुद ट्रांसपोर्ट करके फैक्ट्री तक लेके आती है, किसान का कोई खर्चा नहीं है, किसान की पराली को वो फैक्ट्री खुद काट के लेके आती है, किसान को बदले में पराली के पैसे देती है, और वो जितनी गैस बनाती है वो सारी गैस दिल्ली की आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जो अपनी कंपनी है दिल्ली की, वो खरीद लेती है सारी गैस। सबका फायदा ही फायदा। पंजाब के अंदर 7 ऐसी फैक्ट्री चल रही हैं जो पराली से कोयला बनाती हैं या पराली से कोक बनाती हैं। वो फैक्ट्रियां भी, जो फैक्ट्रियां चल रही हैं पराली से, वो किसान की पराली, खुद फैक्ट्री वाले किसान के खेत में जाते हैं, पराली काटते हैं, पराली के पैसे 500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को पैसे देते हैं, किसान की कमाई होती है, और वो किसान के खेत से खुद ट्रांसपोर्ट करके फैक्ट्री तक लाते हैं और फैक्ट्री में कोयला बनाते हैं और कोक बनाते हैं। ये फैक्ट्रियां एनटीपीसी को कोयला बेच रही हैं। तो पराली से कोयला बनता है, पराली से गैस बनती है, पराली को हम केमिकल इस्तेमाल करके उसकी खाद बना सकते हैं, और पराली से गत्ता बनता है। अब गत्ता बनाने की कई फैक्ट्रियां शुरू हो रही हैं। तो अगर हम सारी सरकारें मिलके अपने अपने राज्य के अंदर पराली से, पराली को इस तरह से इस्तेमाल करने लगे कि उसको जलाने की बजाय किसानों को उससे कमाई होने लग जाए,
तो कितना कितना फायदा होगा। ये फैक्ट्रियां पता नहीं कितने लोगों को नौकरियां दे रही हैं, जो फैक्ट्री पराली से गैस बना रही है वो कितने लोगों को नौकरी दे रही है, किसान को पैसा दे रही है। जो फैक्ट्रियां पराली से कोयला बना रही हैं वो कितने लोगों को नौकरियां दे रही हैं, किसान को पैसा दे रही हैं। जो फैक्ट्रियां पराली से गत्ता बना रही हैं वो कितने लोगों को नौकरियां दे रही है और किसान को पैसा दे रही हैं। मुझे लगता है अगर युद्ध स्तर के ऊपर हम सारे शुरू कर दें तो बहुत कम समय में, साल में, साल भर में, हम लोग पराली को एक, अभी पराली एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी बनी हुई है, पराली को लाइबिलिटी की बजाय एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। शर्त केवल एक है, क्या हम सबकी राजनीतिक इच्छा शक्ति है या इस मुद्दे पे केवल राजनीति करनी है। मेरी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री साहब से निवेदन है, अभी तक केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों के एनवायरमेंट मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करती रही है। ये मुद्दा बहुत बड़ा है, ये मुद्दा एनवायरमेंट मिनिस्टर्स के लेवल पे डील नहीं हो पा रहा। मेरी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से अपील है कि हर महीने नॉर्दर्न इंडिया में पराली से उठने वाला धुआं एक बड़ा पोल्यूशन का कारण है, इसीलिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, इन चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हर महीने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को मीटिंग करनी चाहिए। और जब तक पराली की समस्या, खुले दिल से मीटिंग करें हम लोग, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब के पास कुछ समाधान हो सकते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री साहब के पास कुछ समाधान हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ मेरे पास समाधान, हम सब मिलकर समाधानों के ऊपर चर्चा करें। अपने अपनी टीम के साथ बैठे हैं, अपने अपने एनवायरमेंट मिनिस्टर को लेके बैठे हैं, अपने आप अफसरों को, एक्सपर्ट्स को लेके बैठे हैं। और जब तक पराली की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, हर महीने मीटिंग करके इसकी शार्प डेडलाइंस बननी चाहिए, टाइमलाइंस बननी चाहिए और उसके हिसाब से इसके ऊपर काम होना चाहिए, तभी हम इसके ऊपर इसका समाधान निकाल पाएंगे। तो इंजीनियर्स ने और एक्सपर्ट्स ने तो समाधान दे दिए हैं, कमी केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति की है।